हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस प्रोडक्ट की रिव्यू करने जा रही हूँ एंड दिस इज़ द लैक्मी रोज पाउडर विद सनस्क्रीन। ये बहुत ही एक पॉपुलर प्रोडक्ट है, तो मैं सोचा मैं इसका रिव्यू करूँ और खुद का एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द डिटेल ऑफ दिस प्रोडक्ट। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा एक पैकेजिंग है, बहुत ही यूनिक पैकेजिंग है, बहुत क्यूट लग रहा है और इसमें लिखा है लैक्मी रोज पाउडर विथ सनस्क्रीन। यस, दिस इज नॉट लूज पाउडर, दिस इज रोज पाउडर, यानी गुलाब के पाउडर हैं। और यहाँ पे मेरा शेड है 01 सॉफ्ट पिंक। यहाँ पे इसका प्राइस दिया गया है 170 रुपीज। आपको डिस्काउंट में मिल जाएगा हर जगह पे। ये लैक्मी का एक बहुत ही एक पॉपुलर प्रोडक्ट है और यहाँ पे इंग्रेडिएंट लिस्ट दिया गया है। इसमें भरपूर मात्रा में पैराबेन है। ये कोई भी ऐसे क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट नहीं है, इसमें केमिकल्स है और ये 40 ग्राम्स का है यहाँ पे लिखा है। सो ये इस तरह का एक पैकेजिंग है। सेम पैकेजिंग में लैक्मी का एक कॉम्पैक्ट पाउडर भी आता है और ये एक कॉम्पैक्ट की तरह ही काम करता है। तो ये ऐसे ओपन होता है, ये इसका एक बहुत ही बड़ा ढक्कन है। यहाँ पे हमें एक पर्प मिलता है लगाने के लिए और यहाँ पे एक और एक सेफ्टी लिड दिया गया है जिसमें होल्स हैं, 5 होल्स हैं। यहाँ से पाउडर निकलता है और ये कुछ इस तरह से दिखता है। आप डायरेक्टली अगर यहाँ इसको खोल के लगाते हैं तो देन यू विल गेट ए डेफिनेटली अ मैस। सो आप इसको ऐसे ऐसे करने से ये ऊपर आता है या फिर इसको आप इसको बंद करके थोड़ा सा ऐसे कर देने से ये पाउडर इसमें आ जाता है। तो ऐसे ही आपको इसको यूज करना है। तो ये इसको मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ। ये देखिए, इंस्टेंटली एक ग्लोई इफेक्ट ये देता है और बिल्कुल भी मैट इफेक्ट ये देता है, शाइनी नहीं है, इसमें कोई शाइनी पार्टिकल्स नहीं है। बहुत ही सुंदर, एक तुरंत ही स्किन ग्लो करता है इसको लगाने के बाद। और जैसे कि आप देख रहे हैं, ये रोज पाउडर है, तो आप अगर पिंक रोज पेटल्स को आपने ड्राई करके अगर उसको पाउडर बना लिया है तो जिस तरह का एक कलर आता है, इसका शेड बिल्कुल सेम है। इसमें शायद 3 वेरिएंट्स आते हैं और ये फेयर स्किन टोन के लिए है, लेकिन ये डस्की स्किन में भी काम कर जाता है। और एक वाइट में आता है और एक टोन आता है जिसका मुझे इतना नहीं पता, आप चेकआउट कर सकते हो। और मैंने ये 01 सॉफ्ट पिंक लिया है। ये ऐसा कुछ पिंकिश शेड स्किन में नहीं देता, लेकिन इसको लगाने के बाद बहुत ही अच्छा एक फील होता है, बहुत ही अच्छा एक पाउडर है। आप टेलकम पाउडर के वजह से अगर एवरीडे यूज़ करना चाहते हो कोई पाउडर, तो आप इसे ले सकते हो इंस्टेड ऑफ टेलकम। और आप कॉम्पैक्ट यूज़ कर रहे हो एवरीडे यूज़ में, देन ऑल्सो यू कैन गो फॉर दिस वन। ये बहुत ही अच्छा एक डिसेंट पाउडर है, ऐसा कोई ब्रेकआउट वगैरह ऐसा नहीं करता। लैक्मे का एक बहुत ही पुराना प्रोडक्ट है, एफोर्डेबल रेंज में है और काफ़ी अच्छा एक, ये देखिए कितना अच्छा पैकेजिंग है। आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हो, इसके साथ एक पर्प भी मिल रहा है और इतना कॉस्टली भी नहीं है, बहुत ही एफोर्डेबल है ये। आपको 130-140 रुपीज तक डिस्काउंट में ये मिल ही जाएगा। नायका में भी मिलता है, अमेजोन में मिलता है, फ्लिपकार्ट में मिलता है, आप कोई भी नियर बाय शॉप में जाओ, छोटे से छोटे दुकान में भी ये प्रोडक्ट मिल जाता है, बहुत इजीली अवेलेबल है। जैसे कि आप कुछ मतलब एवरीडे बेसिस में कॉलेज जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, देन ये तो बहुत ही अच्छा काम करता है। और ये आराम से आप का 5 to 6 months अगर एवरीडे 2-3 times भी आप यूज कर रहे हो देन बहुत ही अच्छा ये चल जाएगा। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट यू कैन गो फॉर दिस वन। बहुत मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, मैं इसको कम से कम जब कॉलेज में थी, आई मीन 10-12 years से मैं तब से इसको यूज़ करते आ रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं एवरीडे यूज़ करती हूँ, आई हैव सो मैनी प्रोडक्ट्स टू यूज़। सो लेकिन मुझे ये प्रोडक्ट के बारे में तब से पता है, जब से मैं स्कूल में या कॉलेज में थी तब से शायद। तो ये इतना ही एक पुराना प्रोडक्ट है, अगर ये प्रोडक्ट इतना नहीं चलता तो इतने दिन तक भी वो उसका प्रोडक्शन नहीं होता। सो उससे आपको पता चल जाता
होगा कि ये कितना पॉपुलर है लैक्मे का। कुछ कुछ प्रोडक्ट होते हैं सब ब्रांड के जो कि बहुत ही पॉपुलर होते हैं, एंड जैसे कि आपको पता है लैक्मे एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। देखिए ये कितना सिक्योरली आप इसको जो करो लीकेज नहीं, कितना सिक्योरली ये बंद हो गया, आप पर्स में डालो आप जा सकते हो। सो ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। और ये जो सॉफ्ट पिंक शेड है ये आराम से डस्की स्किन टोन में भी ये काम करता है, ये जाता है, ये आपको मैट इफेक्ट देगा। शाइनी पार्टिकल्स इसमें कुछ भी नहीं है, चंकी पार्टिकल्स इसमें कुछ भी नहीं है। आप बहुत अच्छा इसे यूज़ कर सकते हो एवरीडे बेसिस में, या फिर आप इसको बेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही अच्छा एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है, या फिर कॉम्पैक्ट की तरह भी आप यूज़ कर सकते हो। सो आई विल डेफिनेटली सजेस्ट टू गो फॉर दिस वन। इन माई ओपिनियन सबकी वैनिटी में ये होना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा एक प्रोडक्ट है। आप इसको ब्रश से भी यूज़ कर सकते हो या इसमें दिया गया पब से भी यूज़ कर सकते हो। सो चॉइस इज योर्स। आई विल डेफिनेटली सजेस्ट अ बिग थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट। सो दिस इज अ शॉर्ट रिव्यू अबाउट दिस प्रोडक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टाटा।